तो आज बात करते हैं उत्तर प्रदेश एवं बिहार के विभिन्न प्रांतों से सीआईएसएफ फायर कांस्टेबल के एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में एवं फायर कांस्टेबल से रिलेटेड जितने भी न्यू अपडेट्स हैं उसके बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। पिछले वीडियोज में हमें बिहार से सिर्फ और सिर्फ 317 लड़कों का ही डाटा मिल पाया था, जिसके आधार पर मैंने एनालाइज करके और कट ऑफ तैयार करा था। आज मैंने पूरे बिहार के लड़कों का टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से गूगल सर्वे फॉर्म भरवाया, जिसमें सीआईएसएफ फायर कांस्टेबल के जितने भी अभ्यर्थी थे मैक्सिमम लगभग 400 से ज़्यादा लड़कों ने अपना अपना मार्क्स भरा। इस बेसिस पे हमने एक कट ऑफ तैयार करा, जरा देख सकते हैं यहाँ पे। देख सकते हैं इसमें 407 लड़कों ने अपना गूगल फॉर्म भरा है, जिसमें ये सीरियल नंबर हो गया, नेम हो गया, उसका स्टेट हो गया, एरिया, कैटेगरी और ये मार्क्स। ये वही 407 लड़के हैं जिनके मार्क्स ज़्यादा है और उन्होंने ये अपना गूगल फॉर्म में जो है मार्क्स भरा हुआ है। तो इस बेसिस पे मैंने जो कट ऑफ तैयार करा है वो सबसे सटीक होगा और यही फाइनल होगा, इसी के अराउंड होना चाहिए। क्योंकि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हाँ पूरे बिहार के लड़कों ने भरा, लेकिन फिर भी जो भी भरे हैं 407 लड़के वो जेन्युइन लड़के हैं और जिनका मार्क्स ज़्यादा है वही फॉर्म भरे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके पहले सीआईएसएफ की जो इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन है, नोटिस है, उसको देख लेंगे। यहाँ पे मेडिकल की डेट भी घोषित हो चुकी है 8/12 से, और एक ट्रेनिंग सेंटर ने तो अपना ट्रेनिंग शेड्यूल भी जारी कर दिया हुआ है जो कि 26 दिसंबर से होगा। देखेंगे जो DME है वो 8/12 से है, यानी कि रिजल्ट हमारा अप्रॉक्स 1 तारीख के आसपास, 1 दिसंबर के आसपास आ जाएगा। और मेडिकल की जो एडमिट कार्ड होंगे वो 2 या 3 से मिलना स्टार्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। बेसिक ट्रेनिंग का डेट जो है 26/12 से है, जिसमें बेसिक ट्रेनिंग ओडिशा में होती है और जो भी टेक्निकल फायर से संबंधित वो हैदराबाद से होती है। चलिए अब डायरेक्ट कट ऑफ का बात करते हैं। यहाँ पे आप जानते हैं हमारे बिहार में 38 जिले हैं, जिसमें जनरल से 28 जिला और नक्सल से 10 जिला। जनरल में 88 वैकेंसी और नक्सल में 98, यानी कि इससे थोड़ा ज़्यादा वैकेंसी। मैंने गूगल फॉर्म सर्वे भरवाया था जो भी, जिसमें 407 लड़कों ने फॉर्म भरा हुआ था। यहाँ पे डायरेक्ट ऑफ कट ऑफ देख लेते हैं। फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ सिर्फ नक्सल के लिए अभी, ठीक है। यहाँ पे देखिए जरा ध्यान से, नक्सल डिस्ट्रिक्ट में जो है 185 लड़कों ने फॉर्म भरा था। इसमें 90 से ज़्यादा मार्क्स वाले सिर्फ 2 बंदे मिले थे, 85 से ज़्यादा 35 लड़के थे और 80 मार्क्स से ज़्यादा 80 लड़के हैं। आप सोच सकते हैं कि टोटल जो है 98 सीट है। यहाँ पे देखिए 98 सीट है और यहीं पे 80 से प्लस लड़के आ जाते हैं, 80+, ठीक है। तो ये तो 100% श्योर है कि जो नक्सल का कट ऑफ जाएगा वो 80 से अधिक ही जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमने जो इसका कट ऑफ निकाला हुआ एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, ये जनरल 45 सीट के लिए, वो जाएगी 85 से लेकर के 88, ये जनरल कैटेगरी के लिए, ठीक है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में देखते हैं कि सिर्फ और सिर्फ 10 सीट है, तो ईडब्ल्यूएस वाले जनरल में फाइट कर सकते हैं आराम से, अगर रिलैक्सेशन नहीं लिए होंगे तो। यहाँ पे आते हैं तो ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट का जो जाएगा 83 से 86 के अराउंड कट ऑफ जाना चाहिए। ओबीसी कैंडिडेट में, ओबीसी चूंकि 26 को सीट है तो ओबीसी के लिए जो कट ऑफ जाएगा वो 83 से 86, यानी 83 से 86, लगभग इसी के बराबर जाएगा, ठीक है। ओबीसी वाले ज़्यादा मार्क्स वाले बंदे जो हैं ये जनरल में फाइट कर लेंगे। आगे बढ़ेंगे हम लोग, एससी एसटी की बात करते हैं। तो पहले एससी में देखेंगे 16 सीट है, तो एससी का भी ऐसे बहुत सारे बंदे मिले हैं जिनका जो है 80 इसी से ज़्यादा है, तो उस हिसाब से हम देख सकते हैं कि 75 या 80 इससे ज़्यादा ही जाएगा, लेकिन इससे कम नहीं जा सकता है। एसटी तो एक ही सीट है, तो 80 क्या कहें, 85 भी चल जा सकता है, क्योंकि एक भी बंदा अगर मिल गया 85 के आसपास तो आराम से इसका कट ऑफ बन जाएगा। आगे देखते हैं जनरल डिस्ट्रिक्ट में लड़कों के, जनरल डिस्ट्रिक्ट में मैंने जब फॉर्म भरवाया था तो उसमें जो है 90+ वाले 17 लड़के थे। आप सोच सकते हैं 222 लड़कों ने गूगल फॉर्म भरा था जनरल डिस्ट्रिक्ट में और 88 सीट है। यहाँ पे 90+ सिर्फ और सिर्फ 17 लड़के, आप सोच सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, जो 88 से ज़्यादा मार्क्स है ये 18 लड़के हैं। अब देखिए यहाँ पे चूंकि 88 से ज़्यादा 18 लड़के, अब आते हैं 85+52 लड़के, तो ये तो फिक्स हो गए, 100% श्योर बात है कि जो कट ऑफ जाएगा 84-85 से अधिक ही जाएगा, कम नहीं जा सकता है। तो यहीं से आपको श्योर हो जाइए। अब देखिए 80+ वाले 101 बंदे हैं। अब सोचो यहाँ पे 85+ वाले चूंकि 52 लड़के हैं 85+, और 88 सीट है, तो इससे कुछ ज़्यादा हो सकता है। चलिए तो हमने जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ लगाया हुआ है जनरल डिस्ट्रिक्ट के लिए, चूंकि 40 वैकेंसी है, उस हिसाब से जनरल डिस्ट्रिक्ट का जो कट ऑफ जाएगा 88 से लेकर के और 92 जाना चाहिए।
EWS कैटेगरी के जो कट ऑफ जाएगा वो 87 यानी कि 87 से लेकर के 90 तक जाएगा। OBC का भी लगभग इतना ही जाएगा है ना, 87 से लेकर के 90 के आसपास। OBC का हालांकि एज रिलैक्सेशन जो लिए हैं तो ये तो मार्क्स बढ़ा देते हैं, तो हो सकता है कि 87 से 88 आ जाए, लेकिन इससे कम नहीं ही जाना चाहिए। SC कैटेगरी का बात करते हैं तो 14 सीट है जिसमें ये जो कट ऑफ जाएगा 84 85 से अबव ही जाएगा, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। ST में तो इसमें भी एक सीट है तो ये 85 से प्लस ही जाएगा। चलिए अब बात कर देते हैं यूपी के लिए। उत्तर प्रदेश में अप्रॉक्स 130 के अराउंड सीट है। यहाँ पे हमको हालांकि पूरा डाटा नहीं मिल पाया, लेकिन फिर भी जितना डाटा है उसके एनालिसिस के आधार पे हम देख सकते हैं कि जो जनरल का कट ऑफ जाएगा वो 90 प्लस ही जाएगा, ये फिक्स बात है। तो जनरल का जो कट ऑफ जाएगा 90 से 95 जाएगा, EWS का 89 यानी कि 89 से 93 के आसपास जाएगा, OBC कैंडिडेट के लिए 88 से 94 कट ऑफ जाना चाहिए, और SC 86 से 91, और ST का तो 87 प्लस ही जाएगा, 88 के अराउंड जाएगा। फिर से कट ऑफ देख लेंगे, नक्सल के लिए जो है ये जाएगा कट ऑफ, जनरल डिस्ट्रिक्ट के लिए ये कट ऑफ जाएगा, और उत्तर प्रदेश के लिए ये जाएगा। ये कट ऑफ बहुत ही सटीक तरीके से तैयार करा गया है, कट ऑफ इसी के अराउंड होगा, प्लस माइनस वन हो सकता है, इसमें कोई वो नहीं है, क्योंकि ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। ठीक है भाई, ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, क्योंकि सीट कम है और कैंडिडेट ज़्यादा है, तो इस हिसाब से तो कट ऑफ हाई जाएगा ही जाएगा। औरों की तरह हम 65 या 70 बता करके है ना गुमराह नहीं करना चाहते, जो रियलिटी है वही बताते हैं। इसी तरह दिल्ली पुलिस और SSGD और आने वाले सभी एग्जाम्स के कट ऑफ एनालिसिस और फुल अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।